दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि सरकार डेंगू मरीजों का आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही। सचदेवा ने चेतावनी दी कि अगर डेंगू मरीजों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया तो बीजेपी सीएम आवास का घेराव करेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। केजरीवाल सरकार डेंगू मरीजों का आंकड़ा जारी नहीं कर रहे। पिछले 2 महीने से दिल्ली सरकार ने डेंगू का आंकड़ा नहीं दिया है। केजरीवाल हर बात पर बोलते हैं कि प्रचार करते हैं, डेंगू पर क्यों नहीं बोलते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट को दिखावटी अभियान बताया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट जैसे दिखावटी अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले केजरीवाल डेंगू का डेटा जारी ना करके निगम में अपनी नाकामियों को छिपाना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के 1.5 लाख घरों में डेंगू का लार्वा मिले। इस समस्या का समाधान करने की जगह सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़कर राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में डेंगू का डेटा 24 घंटे में रिलीज करें, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केंद्र सरकार से डेंगू के रोकथाम के लिए आप सरकार को जो 2 करोड़ रुपए मिले हैं उसका हिसाब दिया जाए।